मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही 100 वर्ष से अधिक पुरानी तहसील लखनादौन को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लखनादौन के लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एक सप्ताह से बैठकों के दौर के बाद जागरूक नागरिक, राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ और प्रेस क्लब के सदस्यों सहित व्यापारी वर्ग राम मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए। दशहरा चल समारोह मार्ग से एक रैली निकाली गई। इसमें छपारा, धनसोर, धनोरा को मिलाकर लखनादौन को जिला बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें 7 दिनों की मोहलत दी गई है और कहा है कि यदि सीएम शिवराज सिंह चौहान लखनादौन को जिला बनाने की घोषणा नहीं करते हैं तो विधानसभा क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उसके द्वारा मुझे 12 बजे के आसपास ही ये बता दिया गया था कि 2 बजे के आसपास ये विज्ञापन देंगे, तो आप ले लीजिएगा, जो कि मैं नहीं रहूँगा। तो 2:20 तक मैं और हमारे नायब तहसीलदार हम लोग कार्यालय में बैठे रहे। मेरे भक्त के द्वारा मैंने उससे पूछ जानकारी लेने के लिए भेजा था तो कितने बजे तक ये विज्ञापन देना चाह रहे हैं। इसमें हमारा आज बैठक हुई जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई कि हमारे धनसौर, धनोरा और वहाँ केदारपुर तक कहानी और इस तरह आधे गांव, गणेशगंज, नागनदेवरी, यहाँ पर सतत संपर्क करके एक जन क्रांति बनाई जाएगी। 160 वर्ष पुरानी तहसील लखनादौन जिसकी मांग हम लगभग 15 वर्ष से कर रहे हैं, 15 नहीं 20 वर्ष से कर रहे हैं, मंचों से भी की, इधर तक कि मुख्यमंत्री जी को भी 5-7 बार ज्ञापन दे चुके हैं, जानकारी दे चुके हैं, कुछ आश्वासन भी उनके द्वारा दिए गए। ये तो नहीं कहा उन्होंने कि हम इस समय बना देंगे, उन्होंने कहा कि हम ठीक है दिखा लेते, सर्वे करा लेते हैं, यदि आपका बन सकता है तो हम लखनादौन को निश्चित जिला बनाएंगे। अब फिर से बात ये आई है, उन्होंने बहुत से जिले मध्य प्रदेश में बनाए, हम सबकी भी इच्छा है कि 160 वर्ष पुरानी तहसील लखनादौन है और नई नई तहसीलें जो बाद में बनी वो जिला बन गई, हमारा क्षेत्र भी बड़ा है।